मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी सनकी हो? तुम थेरेपिस्ट की हैसियत से पूछ रही हो या दोस्त बनकर? देखो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जवाब तो एक ही होगा। मैं सिर्फ एक दिन के लिए बाहर क्या गई, तुमने उसे यहाँ रहने दिया सनेम। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पागल हो क्या तुम? तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है? तुम उसे अपने करीब कैसे रहने दे सकती हो? ये मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक थेरेपिस्ट की तरह पूछती तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से झगड़ना पड़ता सनेम, समझ रही हो? अब ये लो, इसे पकड़ो। हाँ, ऐसा हुआ तो है, लेकिन वो अपने डैड से मिलने आए हैं, तो मैं क्या कह सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कह पाई। पेट दुख रहा है। अरे अभी तक इसको लोड नहीं किया, कमॉन कमॉन, ये सब्जियां बाजार जाने से पहले ही खराब हो जाएंगी। अभी एक बहुत ही फरीस कैरेक्टर देखा है मैंने, मजा आ गया मुझे। हंसी रुकी नहीं रही है मेरी। मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने सुना ना उसने क्या कहा? उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग लोग हैं मदद करने के लिए, और फिर यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना सर? हाँ बिल्कुल सही। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो अपने डैड से मिल लो। नहीं, जाके मिल लो। उसकी तरफ मत देखो। अरे मैं क्या करूं, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ पर मेरी नजर उससे हटी नहीं रही है। उस नेम ये इतना हैंडसम कैसे है? ए सॉरी, आई नो हमें उसका नाम लेकर बात नहीं करनी है, लेकिन इतना हैंडसम लड़का तुमने ढूंढा कहाँ से सनेम? इसके आगे पीछे तो लड़कियाँ लट्टू बन के घूमती होंगी, और ऐसे लड़के अक्सर लड़कियों का दिल तोड़ते हैं, हार्ट ब्रेकर्स होते हैं ये, हार्ट ब्रेकर्स। थेरेपिस्ट हो तुम यार, मेरी मदद करो ना तुम। कितनी बार कहूँ मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, बार बार एक ही बात कहती हूँ। और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, और उसके बाद मैं तुमसे मिली सनेम। देख रहे क्या? देखो देख कर बताओ ना। नहीं देख रहा है सनेम। देखो अभी भी नहीं देख रहा है सनेम, क्या करूं मैं, उसकी तो नजर इधर है भी नहीं। सनेम वो अभी देख रहा है हमें, देखो देखो जरा, एकदम प्यार से, हाय हैंडसम वाइब्स। उसकी स्टाइल कुछ अलग है, मैं उसे एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रही। अब नहीं देख रहा है वो। सनेम क्या हुआ? हा? क्या तुमने फिर से दिन में सपना देखना शुरू कर दिया? अब ये मत कहना कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं एंड ऑल। मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि तुम फिर से उनके ख्यालों में खो गई, और उन्हें देखकर कुछ कुछ होता है ना तुम्हें। नहीं, मेरे दिमाग में एक विजन आ गया था, और यकीन मानो मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हारे सपने हमेशा सच होते हैं। वो सब पहले कहा होगा, अब ऐसा नहीं होगा, और ना ही फ्यूचर में होगा। अच्छा ठीक है, मुझे बस लगा तो मैंने कह दिया। तो क्या बात है जान, यार अगर आप तैयार हैं तो चलें। ये नींबू कितने अच्छे हैं। मिस्टर अजीज, घर की ओर कुछ ही देर में आने वाली है, और अगर आप उनसे मिलना चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं, वो कुछ ही देर में आने वाली है। ठीक है, रुक जाते हैं। हाँ क्यों नहीं। ये क्या है? क्रीम, मैं बनाती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दे सकती हूँ। विद प्लेजर। मुझे सेंटेड चीजें बहुत पसंद है।
आई कांट बिलीव जान, स्मेल करो, इससे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह क्या बात है। तुम्हारा सेंट मुझे पागल कर देगा। वाह जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे आ जाती है ये खुशबू। दीवाना मैं तुम्हारे सेंट का। हाँ तुम भी सूंखो जरा इसे। अच्छा मैंने सुना है कि इसे लगाने से गुड लक आता है। बस अजीज हो रही करके उनार वो आ रही है। हाँ हाँ बाय बाय मैं फोन रखती हूँ। सनीम के यहाँ आई हूँ, सनीम से मुझे कुछ बातें करनी है। सनीम ये फूल कितने अच्छे हैं सच में। बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। आइए ना हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ठीक है सच में। मिस्टर अजीज अजीज मेरी मान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? I mean, welcome. Thank you. तो मिस्टर अजीज आपके पहले बॉयफ्रेंड थे। काश मैं तब वहां होती, मुझे वो सीन देखना था। मैं हमेशा अच्छे मोमेंट्स मिस कर देती हूँ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं है डेनिस, अगर देखना है तो अभी देख लो। चेहरे पर कभी कभी स्माइल बहुत कुछ कह जाती है। अच्छा ठीक है मुझे वो बाउल देना। तो क्या करें प्यार अब है ही ऐसी चीज, प्यार नसीब वालों को मिलता है, कदर तो करनी चाहिए ना। मिसेस मिरेबल वैसे मैं आज आपको पहली बार हंसते हुए देख रही हूँ। इसका क्रेडिट पूरी तरह से मिस्टर अजीज को जाता है, सिर्फ वो मेरे चेहरे पर स्माइल आ सकते हैं। मुझे पता है तुम दोनों क्या पूछोगे, यही पूछोगे ना कि अब तक तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की है ना। मुझे नहीं बताना पर्सनल है, आई होप यू डोंट माइंड। वैसे मिस्टर अजीज ने ह्यूमा से शादी की है पर वो तो हमसे प्यार करते हैं ना। हाँ पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ तुम लोगों को, तुम भी ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि या तो चीजें व्हाइट होती हैं या ब्लैक, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कभी कभी चीजें ग्रे भी होती हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ या तो सही हो या तो गलत। प्यार आपको बहुत सारी चीजें करवाता है। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं, पर ऐसा नहीं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। मुझे भी ये सब समझने के लिए काफी वक्त लगा, पर ये सब अच्छा था। समझ रहे हो ना, जब मैं प्यार में थी तो न जाने मैंने क्या क्या किया था। आपने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आया। जिंदगी तुम दोनों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अपने प्यार को कभी भी जाने मत देना। एनीवे जाने दो। मैंने जब अजीज को देखा तो मुझे एकदम मेरे पुराने दिन याद आ गए। पता नहीं क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम ठीक हो ना? आपके लिए एक खुश खबर है, मिस्टर अजीज को ये जगह बहुत पसंद आ गई है, तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे, तो आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे साथ। ओह ये क्या बोल रही है। मिसेस उमा को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी, उसे मुझसे बड़ा प्यार है। मुझसे भी, मिसेस उमा मेरा भी पीछा नहीं छोड़ती, बहुत प्यार करती है। अब बातें बहुत हो गई, हम एक काम कर सकते हैं, हम हमारी फीलिंग्स हमारे अलावा फिलहाल किसी को नहीं बताएंगे, एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर सर
सब पहले जैसा हो जाए। हाँ गीत, वेलकम। कैसे हो तुम? ठीक हो, बस थोड़ा दर्द है। तुम कैसी हो? मुझे भी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस क्या लिखूं वो समझ नहीं आ रहा। ओह नो, हम न्यूयॉर्क के पब्लिशर से ऑलरेडी पेमेंट ले चुके हैं सनम। 2 महीने हो गए सनम, लेकिन उन्हें एटलीस्ट शॉर्ट समरी तो देनी होगी ना। आई एम सो सॉरी गीत, आजकल मुझे कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहे, स्पेशली जान के जाने के बाद। एनीवे, क्या हम न्यूयॉर्क चले? न्यूयॉर्क? ठीक है, एक्चुअली हमें इनवाइट किया गया था। वहाँ एक आर्टिस्ट का घर है, दुनिया भर के राइटर्स वहाँ हमारे साथ रहेंगे। तुम नए सेमिनार्स ज्वाइन कर सकती हो। अपने रीडिंग सेशन के बाद हमें एक बुक सेशन भी रखना होगा, वो अच्छी जगह है। ऑल दे वांट इज अ बुक। सारे राइटर्स मिलकर एक म्यूचुअल बुक बनाते हैं। तुम भी चलो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। आर यू सीरियस? हाँ हाँ। इगेट, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझ पर ट्रस्ट किया है। थैंक यू सो मच सबके लिए। सनम, तुम बहुत ही अच्छी राइटर हो, उसमें थैंक यू का कहना। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूयॉर्क में रहना 8 महीनों के लिए। थैंक यू सो मच। तो तुम ऑफर एक्सेप्ट करती हो, है ना? इगित, काश मैं हाँ कर पाती, लेकिन मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती। यहाँ जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। मैं नहीं आ सकती, I'm sorry। क्या ये ऑफर रिजेक्ट करने का असली रीजन है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है, तुम एक इंटरनेशनल राइटर बनने का मौका देता हूँ और तुम रिजेक्ट करना चाहती हो। इगित, मुझे एक इंटरनेशनल राइटर नहीं बनना है, मैं तो बस एक अच्छी राइटर बनना चाहती हूँ, एंड दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम कॉफी पियोगे? ठीक है, ले आओ। अभी लाती हूँ, शायद कॉफी पीते पीते कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था।
क्या बात है जान, सब ठीक तो है? डैड मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। क्यों बेटा, क्या हुआ? डैड प्लीज आप इतने सवाल मत पूछिए ना, वैसे भी आप ठीक हो गए अब। जान डैड, डैड मैं जानता हूँ मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपकी कंपनी आपकी जॉब सब कुछ मेरी वजह से डूब गया, एक दिन उसे कॉम्पेंसेट जरूर करूंगा ओके, पर फिलहाल मुझे जाना ही होगा। बेटा तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और हाँ मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, आगे भी करूंगा, संभल कर रहना, बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। आई लव यू बेटा। चलिए अब आप मिसेस मेहरबान के पास जाइए, वो आपका वेट कर रही होंगी। जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। सनम, ये बहुत अच्छी जगह है। क्या मैं इसे रख सकता हूं? कुछ कहोगी नहीं? मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके गुड बाय। अगर इजाजत हो तो मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, जाइए ना प्लीज। सनम मर चुकी है, अब क्या चाहिए आपको मुझसे? मैं आज रात को ही डैड को लेकर चला जाऊंगा। आप क्यों आए हैं? चले जाइए। ये क्या कह दिया मैंने?
कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। वो मेरे है और मैं उनकी। जब भी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, वो मेरी रोशनी बनकर आते हैं। पानी की लहरों में उनकी आवाज सुनाई देती है, हवा का रुख उनकी खुशबू लेकर आता है। मेरी सांस, मेरे रग रग में, मेरे दिल में सिर्फ वो है। मैं दिल हूँ और वो धड़कन है। हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हर एक शब्द को मतलब तो वो देते हैं। मेरी जिंदगी की किताब सिर्फ उनसे बनी है, सिर्फ उनसे।